बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ 3+ में बच्चों को नंबर 4 सिखाने जा रहे हैं, यानी कि हम बच्चों को 4 की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएंगे और 4 की फॉर्मेशन यानी कि 4 लिखना सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, नंबर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? परेशान नहीं होना, आज हमें नंबर 3 से अगला नंबर सीखना है। और अगला नंबर कौन सा है? ये वाला। और ये क्या है? 4। क्या है? 4। याद रखना है, ये है नंबर 4। आज हमने क्या करना है, हमने अपनी बुक की तरफ जाना है। बुक के पेज पर देखो, ये क्या है? मेरी फेवरेट है। आपको पता है मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत 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 ज्यादा। आपको पसंद है? पसंद तो होगी ना, क्योंकि रात को आप बाबा से जरूर कहते होंगे कि आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। मुझे ना आइसक्रीम के अंदर कैरमल फ्लेवर बहुत पसंद है और मैंगो भी बहुत पसंद है। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? अच्छा, स्ट्रॉबेरी पसंद है। वेरी गुड, स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे मैंगो ज़्यादा पसंद है। वैसे भी मुझे मैंगोज़ पसंद हैं और आइसक्रीम तो मैं ज़रूर खाती हूँ। कभी कभी ना मैं क्या करती हूँ, रात को ना बाबा से ज़िद करती हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलें। फिर मैं और बाबा जाते हैं और आइसक्रीम खा कर आते हैं। आप भी अपने बाबा के साथ आइसक्रीम खाने जाते हो ना? अब आपने मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम भी खानी है, बड़ी मज़े की होती है, और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इन आइसक्रीम्स को काउंट करना है। कितनी है, चलें काउंट करते हैं। अच्छा, ये कोन आइसक्रीम है, तो हमने यहाँ पे कोन्स को काउंट करना है। 1, 2, 3, 4। जी, हमारा आज का नंबर है 4। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अपनी बुक के पेज पर देखें, आपने क्या करना है कि एक साइड पे नंबर्स लिखे हैं और एक साइड पे ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और वो जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उस नंबर से मैच कर देना है लाइन लगाकर। वेरी सिंपल। और नीचे क्या करना है, नीचे आइसक्रीम को कलर करना है और नंबर 4 को भी कलर कर देना, ताकि आपको याद है कि 4 ऐसा दिखता है। क्योंकि इसके बाद मैंने आपको 4 लिखना सिखाना है, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस सिखानी है। अच्छा, अब हमने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और बुक के नेक्स्ट पेज पर देखना है, लेकिन इससे पहले हम खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं। खुद से प्रैक्टिस करने के लिए हम फ्री राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और फ्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमने अपनी फिंगर्स की मदद से 4 लिखना सीखना है। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर स्लिपिंग लाइन लगानी है और फिर स्ट्रेट लाइन लगानी है। एक स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये बन गया 4। जब आप फ्री राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपने एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी करनी है। आपने अपने दोस्त को कहना है कि वो टीचर की तरफ फेस करके बैठ जाए और आपने उसकी बैक पे 4 लिखना है, और फिर उसको कहना है कि बताओ मैंने तुम्हारी बैक पर क्या लिखा। अगर तो वो सही गेस कर लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दोस्त को 4 लिखना आता है। अगर वो गलत गेस करे तो उसे कहना कि 4 की प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको तो 4 लिखना आता है ना। अब आपने अपनी बुक पे भी 4 ट्रेस करना है, बहुत ही नीट सा 4 लिखना है। क्लास में क्लास वर्क का पोर्शन कर लेना और आधा पेज यानी कि होमवर्क का पोर्शन घर जाके कर लेना। जी तो डियर टीचर्स, आपने इसी तरह बच्चों को इन्वॉल्व करके नंबर 4 की आइडेंटिफिकेशन सिखानी है, 4 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएं। आप जिस ऑब्जेक्ट को काउंट करने की प्रैक्टिस करवा रही हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करें, बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाएं, 4 ऑब्जेक्ट्स के फ्लैश कार्ड्स दिखा दें, नंबर 4 का फ्लैश कार्ड दिखा दें। आप व्हाइट बोर्ड पर बड़ा सा करके 4 लिख दें, ताकि बच्चे उसको अच्छे तरीके से देखें, उनके माइंड में नंबर 4 का प्रिंट बैठ जाए। फ्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चे के लिए राइटिंग आसान
हो जाए, प्री राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि बच्चा जब राइटिंग की तरफ जाएगा तो वो ऑलरेडी फोर को लिखना सीख चुका होगा। सैंड ट्रे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसके साथ साथ आप बच्चे को कह सकते हैं कि वो अपनी कलाई पर फोर लिखे, अपनी फिंगर्स की मदद से अपने पार्टनर की बैक पे फोर लिखे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।